नमस्ते दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में और लास्ट क्लास में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसका एक इम्पोर्टेंट थ्योरम इक्वेशन ऑफ एन डिग्री हैज एन रूट्स एंड नो मोर, ये थ्योरम को प्रूव किए थे और इस पर बेस्ड एक एग्जांपल सॉल्व किए थे। उसी के कंटिन्यूशन में एक जनरल प्रॉब्लम है, इसे देखते हैं। फॉर्म द इक्वेशन हूज रूट्स आर ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब जैसे यहां पर हमको फोर रूट्स दिख रहे हैं, तो फोर रूट्स है तो जब इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो वो इक्वेशन ऑफ डिग्री होगी फोर, और यदि रूट्स दिए हुए हो तो उससे इक्वेशन लिखने का जो पैटर्न है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बिकॉज ऑफ रूट्स। देखिएगा कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। गिवन रूट्स आर ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी। अब इनसे बनने वाले फैक्टर्स, ये x की वैल्यू है। यदि मान लो x इज इक्वल टू ए प्लस बी कहा, तो जो फैक्टर होगा वो फैक्टर लिखा जाएगा x माइनस ए प्लस बी। ऐसे बाकी के लिए भी फैक्टर लिखा जाएगा, तो सबके लिए फैक्टर लिखते हैं और उनका प्रोडक्ट x माइनस ए प्लस बी। ये फर्स्ट रूट के कारण फैक्टर हुआ इनटू सेकंड के लिए x माइनस ए माइनस बी, ये फैक्टर हो गया। थर्ड के लिए x माइनस माइनस ए प्लस बी इनटू x माइनस माइनस ए माइनस बी, ये इसका फैक्टर हो गया इक्वल टू जीरो। ये हो गया इक्वेशन फॉर्म फॉर गिवन रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू जीरो गिव्स द इक्वेशन। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते समय कुछ लाइक टर्म्स है क्या, ये फॉर्मूला हमको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां इस तरह के कुछ टर्म्स दिख रहे हैं क्या, देखते x माइनस ए प्लस बी। देखो यदि यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी, वो दोनों फैक्टर को एक साथ लिखते दिस इंप्लाई x माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, ये फैक्टर माइनस कॉमन ले लिया यहां तो x प्लस ब्रैकेट में रह गया ए प्लस बी, ये दोनों फैक्टर ये लिखेगा। अब ये है x माइनस ए माइनस बी इंटू, इसमें से यदि माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो देखो क्या बन गया, ये x प्लस ए माइनस बी, ये दोनों फैक्टर ये लिखेंगे। माइनस कॉमन लेने से ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गई। अब ऐसा लिखने के बाद ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होते दिखता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला इज इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ यूजिंग दिस फॉर्मूला सिमिलरली x माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी, वहां पर भी ये फॉर्मूला फिट हो सकता है, लगा देते उसको भी एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो यूजिंग, यहां साइड में लिख देते रीजन a माइनस बी इंटू ए प्लस, अभी a और b की बजाय इसको कुछ हम p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला a और b में लिखा जाता है। अब यहाँ a और b यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसको दूसरे नोटेशन में लिख दिया। यहां तक ये सब बातें ठीक है,
इतनी बातें समझ में आती है, इतनी बातें समझ में आती है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट है केवल। यस, अब देखो, अब फिर से ये एक टर्म होगी मान लो p माइनस, ये टर्म है q, p माइनस q, और उसके बाजू में फिर दिख रहा हमको p, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया, और हाँ ठीक है, और ठीक है, अब ये उस फॉर्म में नहीं है, p माइनस q, p प्लस q के फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये टर्म डिफरेंट है, a प्लस b है और यहाँ a माइनस b है। तब ये दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर को मान के आगे इनको एक्सपांड करना होगा, एक्सपांड करते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, से पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, x पावर 4, ये यहां डिस्ट्रीब्यूट किया, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले, अब ये टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, और माइनस इनटू माइनस प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर इनटू ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्सपांड किया ब्रैकेट को, दैट इज एक्स पावर फोर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में रख दिया, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन, तो रह गया अंदर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट रहेगा ऐसे, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक। अभी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है थोड़ा सा, इसका एक्सपेंशन होगा a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसल, ए स्क्वायर बच गया, बन गया टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, तो दिस इज एक्स पावर फोर माइनस टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका जो एक्सपांशन है, इसका एक्सपांशन यदि आप ओरली कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज देखिए यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये इसका रिजल्ट आया, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये इसका रिजल्ट आया, और ये दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो फिर इसको यदि मान लो हमने p माना और इसको q माना, तो ये दिखता है p प्लस q इनटू p माइनस q के फॉर्म में, तो बनेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, सो दैट इज स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो गया फोर टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आप यहां तक के मिला के स्टॉप कर सकते हैं, यहां तक के मिला के स्टॉप कर सकते हैं, और यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटर होगा, सिंप्लीफाई करने से यहां तक के पहुंच जाते हैं, और थोड़ा आगे जा सकता है ये, जब इसका एक्सपेंशन होगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर, वो और रिड्यूस होके हो गया a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये था, और ये रिड्यूस हो सकता है, a पावर 4 है प्लस b पावर 4 है माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज, लिखते हैं दिस इज सेम एज, यही लिख देते ना, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके, इट इज सेम एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाकी की टर्म सेम है, और x पावर 4 माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एकदम सिंपलीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन का डिग्री 4 दिख रहा है और टू रूट्स दिए हुए हैं 1 एंड 7। अब जब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा है, इसका मतलब जितना डिग्री है उतने रूट्स होंगे,
तो हमको फोर रूट्स फाइंड करने हैं। डिग्री फोर होने की वजह से रूट्स फोर होंगे, तो उसमें से टू रूट्स दिए हुए हैं, बताओ हमारा काम क्या है, बचे हुए दो रूट्स फाइंड करना। ये इसका आउटलाइन हो गया। डिनोट गिवन इक्वेशन है, डिनोट गिवन इक्वेशन एज एफ ऑफ एक्स स्टैंड फॉर, थ्री लाइंस मींस स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल लिख दो जो भी कुछ है, x पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 86x स्क्वायर माइनस 176x प्लस 105 इक्वल टू 0। मतलब अब इसके बाद जब हमको बोलना होगा इक्वेशन, तो हम केवल बोलेंगे f of x इक्वल टू 0। व्हाट इज f of x? इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो दिस इज गिवन इक्वेशन, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में f of x इक्वल टू 0 बोल दिया, वेयर f of x इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ऑल्सो टू रूट्स आर गिवन, also two of its roots are given as, ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, two of its roots are given as 1 and 7 by a result equation f of x equal to 0 has four roots because its degree is 4। जितने डिग्री होंगे उतने मैक्सिमम रूट्स होंगे, इसका मतलब हमको टू रूट्स फाइंड करना है। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग टू रूट्स दो तो दिए हुए, 1 और 7 दिया हुआ है। अब जब रूट्स दिए हैं तो रूट्स पे फैक्टर बन जाएंगे, ये अभी तक हम यही काम कर रहे थे, रूट्स इक्वेशन के फैक्टर्स पॉलिनोमियल के। तो सिंस वन एंड सेवन आर रूट्स ऑफ, अच्छा इसको हम स्टेप बाय स्टेप बोल देते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इसको बोल देते हैं फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप वन। स्टेप वन में हम पॉलिनोमियल लिख दिए, जो डेटा है वो लिख दिए, और करना क्या है ये बता दिए। अब स्टेप टू, यहां स्टेप टू की बात करते हैं, स्टेप टू फॉर एज 1 and 7 आर रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 7 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल f of x। ये रिलेशन डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, इक्वेशन के रूट्स और पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, द प्रोडक्ट कौन सा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7, इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ f of x। अब ये दोनों का प्रोडक्ट हमने सॉल्व कर लिया, ये फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जब f of x को इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवीजन जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। इसको नेक्स्ट स्टेप बोल देते हैं, स्टेप 3 डिवाइड f of x बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अब ये डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करना है, x पर माइनस 8x प्लस 7 से। ये डिवीजन एल्गोरिथम किया हुआ है स्कूल में, क्या हो एक एक दो टर्म देख लेते हैं, x पावर 4 मिला है, x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो x पावर 4 दे, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो, x पावर 4 मल्टीप्लाई करो माइनस 8x क्यूब मल्टीप्लाई करो प्लस 7x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, सॉल्व करते हैं इसको, x पावर 4 माइनस x पावर 4 0 माइनस 16x क्यूब प्लस 8 इट इज माइनस 8x क्यूब प्लस 86 माइनस 7 तो आंसर विल बी प्लस 79x स्क्वायर।
नेक्स्ट टर्म को डाउन करो, माइनस 176x। अब माइनस 8x क्यूब मिलाना है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें x पर में जो हमको माइनस 8x क्यूब देगा, तो वो हो गया माइनस 8x, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 8x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8 इज द 64x पर और माइनस 56x। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये टर्म हो गई जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, बिग नंबर है 15x स्क्वायर माइनस 176 प्लस 56, तो बिग नंबर का साइन नेगेटिव और उसको सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी 120x 15x पर माइनस 120x। अब एक और टर्म x स्क्वायर की टर्म है, x की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म को डाउन करो, प्लस 105। अब 15x पर मिलाने के लिए प्लस 15 मल्टीप्लाई करते, तो 15x स्क्वायर माइनस 15 120x प्लस माइनस प्लस 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 105 प्लस ये सब साइन चेंज माइनस प्लस माइनस। अब सारे टर्म पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, तो रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर इज जीरो। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल हो गया। इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू जीरो। अब ये फैक्टर तो दो फैक्टर के प्रोडक्ट से मिलाया हुआ था, तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू जीरो। ये और का मीनिंग इंक्लूसिव और, दिस इज जीरो और दिस इज जीरो और बोथ आर जीरो। तो मैथमेटिक्स में जब भी हम और की बात करते हैं वो इंक्लूसिव और होता है। तो ये डायरेक्ट मिलेगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 7 फैक्टर्स ही आए थे इक्वल टू जीरो और इसके फैक्टर्स 15 को ब्रेक करना है टू नंबर्स में जिसका सम माइनस 8 हो, तो 5 थ्री जा 15 एडिशन माइनस 8 लाने के लिए दोनों को माइनस दे देते हैं, तो x माइनस 3 एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू 17 और x इक्वल टू 35, ये दो दिए हुए थे रूट, ये दो हमने फाइंड किए, हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1, 3, 5, 7 आंसर। ठीक, ये डिवीजन एल्गोरिथम, ये सब स्टेप 3 में किया था, डिवीजन एल्गोरिथम तक यहां कंप्लीट कर दिया, आप इसको स्टेप 4 बोल सकते हैं। ये केवल समझने के लिए चीजों को कैसे समझ कर लिखा जाए, जहां से आप सोचना डिफरेंट लाइन पर शुरू करते हैं आप वहां पर स्टेप वाइज मार्किंग कर सकते हैं, जहां से आपने थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन अलग किया तो वहां से आपकी नई स्टेप शुरू हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक था इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट्स एंड नो मोर और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय गणित।